जिस आइलैंड में हम हैं उस आइलैंड का नाम है ओआहू। हम लोग वैसे वाइकिकी बीच के पास में हैं और आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे, मतलब आइडियली पहला दिन है बिकॉज कल हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे। आज हम लोग वेस्ट कोस्ट कवर करने वाले हैं यहाँ के। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाला रैंच से, जहाँ पे बहुत सारे मूवीज जुरासिक पार्क और 51st डेट्स ऐसे बहुत सारे मूवीज, मतलब हॉलीवुड मूवीज यहाँ पे शूट किया गया है। हम पहुंच गए हैं क्वाला रैंच। तो ये देखिए बसेस हैं जो लेके जाती है टूर की, एंड वी डोंट नो और क्या क्या होता है यहाँ पे। मेरे ख्याल से टूर के बसेस से ही यू कैन गो इनसाइड और उसके लिए कुछ यू हैव टू पे, वो सब भी पता करने के लिए भी अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे धूप जो है वो इतनी चुभती है, बहुत ज्यादा टैनिंग मतलब तो हो ही जाती है और बहुत ज्यादा वो है, उमस है, ह्यूमिड बहुत, ह्यूमिड बहुत ज्यादा। अगर आप बिना सनस्क्रीन के थोड़ी देर भी बाहर रहे ना, मतलब जल के लाल लाल बंदर, द लॉबस्टर टाइप लाल, एकदम ऐसा इतना लाल हो जाता है। इसलिए सनस्क्रीन होना बहुत जरूरी है। Okay. So it's very fast-paced and bumpy. Okay. This one, it's going to focus on ranch history and Hawaiian history. Okay. So you do get to stop at the Indominus Rex Pen from Jurassic World, and then you'll have a nice scenic stop out in the valley that's going to overlook Kaneohe Bay. आज मैंने फिर से गाड़ी एंटरप्राइज से ली है। I got a car which has some cool features जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वही ये है। Mustang. It's a Ford Mustang convertible. Hello all. Hello everyone. लोग अगला डेस्टिनेशन जा रहे हैं, एक बहुत ही इंस्टाग्राम फेमस स्पॉट है जहाँ पे दो पहाड़ आते हैं और बहुत जंगल है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने अभी वहीं पे पार्किंग किया है, अब पार्क करके थोड़ा सा चलना है, तो हम चल के आ रहे हैं। लेकिन चलना भी, इट इज़ नॉट बोरिंग, इट इज़ बिट ब्यूटीफुल। आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए हम लोग वहाँ से चले हैं कार पार्क करके। ये व्यू है और ये हम जा रहे हैं लानिकल। वहाँ पे एक छोटा सा वो आइलैंड टाइप है, एकदम फ्लैट आइलैंड है, पता नहीं कैसे बट है। Thank you.
Tanikaya beach. And majorly this is known for the pristine white sand and beautiful green water. आज हमारा basically plan beach cover करने का था and that is the Lanikaya beach और वहाँ पे Makinai beach है मेरे ख्याल से. I'll correct the name. ये दो beaches are very connected, very similar to each other. Just that कि एक में parking है और एक में parking नहीं है. Lanikaya is more famous तो, लेकिन यहाँ पे parking नहीं है तो इसलिए आपको दूसरे वाले बीच पे आके पार्क करके फिर इस वाले बीच पे आना पड़ेगा चल के, विच इज़ देन नॉट इवन 10 मिनट्स ऑफ. हमारे पीछे भी ये देखिए अभी सनसेट हो रहा है